हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज लाइक जरूर कर दो और इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, क्योंकि भैया दोबारा से कुछ पुरानी रंजिश और पुरानी फाइट अब दोबारा से उजागर हो रही है। और एमी भाई बंटाई ने बजा दिया बिगुल और कर दिया डिस एमसी स्टैंड और बादशाह को, और इंडस्ट्री में भी काफी चीजों को लपेटा है जिसमें उन्होंने जवाब देने की कोशिश करी है। लेकिन हम तो बिग बॉस को चाहने वाले हैं ना, तो कुछ तार इसके बिग बॉस से भी हमें मैच होते हुए दिखते हैं कि एमी भाई बंटाई को इतना बुरा क्यों लगा। जैसा कि आपको पता है कि एमी भाई बंटाई ने अपने गाने के अंदर काफी चीजें सीधा सीधा नाम लेते हुए एमसी स्टैंड को टारगेट पर लिया है। गले में नकली सोना नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं, और कुछ चीज़ें भी देखिए, प्यार तुझे प्यार किया और फिर तूने कॉल करके मुझसे सॉरी मांगी और तू निकला साफ क्योंकि शर्मा जी के शो में जाके तूने ढस दिया, ये चीज़ें भी कही एमी बंटाई ने। शर्मा जी के शो में तो जो चीज़ें हुई वो तो हुई, लेकिन बादशाह और एमसी स्टैंड को कहीं ना कहीं अपने गाने के साथ उनको जो चीज़ें बताने की कोशिश करी उसके तार कहीं ना कहीं बिग बॉस 16 से भी जुड़ते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस 16 जिन लोगों ने देखा है, और बिग बॉस 16 के अंदर आपने देखा होगा कि खुले तौर पे एक एपिसोड आता है जहाँ पे बादशाह जाते हैं, और बादशाह दिल की कहते ना कि दिलो तमन्ना थी उनकी कि एमसी स्टैंड ये शो विन करें, क्योंकि भैया हिप हॉप कम्युनिटी से था, तो अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नाम होगा हिप हॉप का, इंडिया में लोग प्यार करेंगे, तो उनका एक दिली ख्वाहिश थी कि एमसी स्टैंड ये शो जीते, तो ये चीज़ें तो थी। लेकिन उसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि हमने देखा एमी भाई बंटाई ने भी काफ़ी अपने शो जितने भी लाइव शो हुए थे उन्होंने खुले तौर पे लोगों को कहा कि अपना भाई है और एमसी स्टैंड के लिए वोट करो, एमसी स्टैंड के लिए बहुत सारा प्यार, हक से प्यार, ये चीज़ें सब उन्होंने कही अपने लाइव शो के अंदर सब कुछ। लेकिन एमसी स्टैंड जब जाते हैं शर्मा जी, मतलब कपिल शर्मा शो के अंदर, जहाँ पे कपिल ने पूछा कि खुजामत क्या था, ये गाना क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि था भाई किसी को तो उसको मैंने ये दिया, किसी को थी खुजली, तो ये चीज़ें भी उन्होंने कही। तो ये चीज़ एमी भाई बंटाई को बुरी लगी और उन्होंने सीधा सीधा काफ़ी चीज़ें सुना दी और बादशाह को भी लपेटा, क्योंकि बादशाह भी किसी लाइव शो में हंस रहे थे, कोई प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने एक स्माइल पास करी, जहाँ पे एमी भाई बंटाई की तरफ वो सीधा सीधा इशारा था जो वो अपने गाने में भी बताने की कोशिश कर रहे, और सीधी फाइट उन्होंने ये भी कह दिया कि किंग ऑफ इंडिया हिप हॉप कौन है, उन्होंने कहा कि भैया एमी भाई बंटाई है हिप हॉप, क्योंकि एमी भाई बंटाई जब अपनी इस जोन में जब बड़ा नाम बन रहे थे, जब एमसी स्टैंड हो या बाकी कुछ लोग थे जो इस कहते ना हिप हॉप को पसंद कर रहे थे, जब ट्राई कर रहे थे कि वो भी कुछ ऐसा डिस या कुछ गाना निकाले जिनको लोग बढ़ चढ़ के प्यार दे, तो उस टाइम बहुत छोटा नाम था और लीड करते थे एमी भाई बंटाई, तो एमी भाई बंटाई और एमसी स्टैंड की यही फाइट और पुरानी है कि जब उन्होंने माइक विक भी उनसे छीना था, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था। तो बादशाह ने बिग बॉस 16 में पूरा सपोर्ट किया। एक चीज और कही एमी भाई बंटाई ने कि इंडस्ट्री के लोगों के लटक तू चाट वाला, ऐसा कुछ कहा कि इंडस्ट्री के अंदर अभी आप देखोगे कि जितने भी हिप हॉप है, जितने सलमान सर है, जितने भी सेलिब्रिटी है, इस टाइम आप देखोगे कि बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत से शो में वो जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, उन्हें ट्रॉफी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। उसके साथ साथ एक चीज़ है कि अब ये क्या एमी भाई बंटा को हजम नहीं हो रहा है, एमी भाई बंटा को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही जो उन्होंने डिस निकाला। इसी के साथ आप लोगों के लिए भी एक सवाल है कि जो चीज़ें मैंने समझाई आपको, ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एमी भाई बंटा को जो नाम की लड़ाई है, जो नंबर वन की लड़ाई होती है, जो हमेशा हर एक जोन में होती है, नंबर वन की फाइट है किंग ऑफ इंडिया हिप हॉप कौन है, तो एमी भाई बंटा ने खुद कह दिया अपने डिस में कि भाई मैं हूँ और ये कुछ भी नहीं है एमसी स्टैंड। फाइट के साथ साथ एक चीज और भी समझने आ रही है इस फाइट के अंदर, क्या आप दोबारा से एमसी स्टैंड भी कुछ जवाब देंगे, क्योंकि हम ये चीजें देख रहे हैं कि एमी भाई बंटाई ने सपोर्ट किया है, एमसी स्टैंड ने अभी तक किसी को भी जवाब नहीं दिया है। वो कितनी बड़ी फहरिस्त है कि बिग बॉस 16 के बाद कैरी मिनाटी हो, अब्दू रोजिक हो, या गोल्डन बॉय हो, या क्या बोलते हैं ये अर्चना के साथ फाइट हो, या बाकी इधर उधर जाना ना हो, या मीडिया कर्मी हो, और अब एक नाम और जुड़ गया जो उनके पुरानी रंजित चलती है एमी भाई बंटाई की, तो क्या आपको लगता है ये फेरिस एमसी स्टैंड की बहुत बड़ी होती जा रही है, उनको लोग घेरना चाह रहे हैं जिस हिसाब से उनका नाम है, जिस हिसाब से उस टाइम वो ब्रांड बन चुके हैं, पहले भी थे लेकिन बहुत लोग प्यार करते हैं, हर एक लोग उनको अपने इवेंट पे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए बिल्कुल बाहें फैलाए और पूरा अमाउंट देने के लिए तैयार है कि भाई आए और हमारे शो का हिस्सा बने, तो ये चीज़ दिख रही है कि फेरिस बहुत लंबी होती जा रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट जरूर करके आपको किसकी गलती लगती है जो एमी भाई बंटाई ने निकाला है, या एमसी स्टैंड को पता होना चाहिए था कि एमी भाई बंटाई ने काफ़ी सपोर्ट किया एमसी स्टैंड को बिग बॉस 16 के बाहर, उन्होंने खुले तौर पर वोटिंग अपील भी करी, बादशाह भी चाहते थे कि एमसी स्टैंड ही जीते, तो इन चीज़ों के साथ साथ ये है। और किंग ऑफ इंडिया हिप हॉप कौन है, प्लीज़ कमेंट करके बताया कि आपको कौन लगता है कि भैया इंडिया के अंदर किंग कौन है हिप हॉप का जो अभी नंबर वन है,
तो और अभी तक उनके जो गाने पे आए 7 या 8 लाख के व्यूज आए हैं। व्यूज आ तो रहे हैं लेकिन मेरे को लग रहा है बहुत ही स्लो आ रहे हैं। तो एमवी बंटे का जो है कि किंग ऑफ इंडिया हिप हॉप, तो उसके अंदर अभी तक 8 लाख ही व्यूज आए हैं, अभी 1 मिलियन भी नहीं हुआ। और देखते हैं गाना कितना बढ़ चढ़ के लोगों की जमा पे चढ़ता है, क्योंकि बहुत फास्ट है। कुछ ही चीज़ें आपको समझ आएंगी जो चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे आप जो फॉलो करते हो एमसी शर्मा को, उनको तो सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। शर्मा जी शो की बात हो या नकली गहने की बात हो या डिजाइनर कपड़ों की बात हो, तो सब समझ आ गई है। लेकिन बादशाह को भी लपेटना, और इंडस्ट्री में भी ये कहना है कि तू इन लोगों के झूल, मेरा काम नहीं है झूलना और अपन अलग ही रहेंगे क्योंकि सब लोग रहते इकट्ठे। तो ये चीजें थी। तो आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं किंग ऑफ इंडिया हिप हॉप कौन है आपके हिसाब से, और जो एमी बे बंटाई ने डिस किया एमसी स्टैंड को, क्या वो सही है, या एमसी स्टैंड ने जो शर्मा जी के शो में कहा था वो सही है? किसकी लगती है आपको गलती? क्या एमसी स्टैंड क्या अपनी तरीके से अपने रैप द्वारा जवाब देंगे एमी बे बंटाई को, या इन्हें भी वो साइड कर देंगे जैसे बाकियों को उन्होंने बिल्कुल ना जवाब दे के इशारे से बता दिया कि भाई तुम लोगों से वास्ता ही नहीं है। भाई लाइक जरूर कर देना।